राजपूत छात्रावास के लिए भूमि आवंटित को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के आदेशानुसार चूरू जिलाध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा बड़ा व सुजानगढ़ तहसील अध्यक्ष महावीर सिंह परावा ने गांव-गांव जाकर इस मुहिम को तेज किया। 9 अप्रैल को सुजानगढ़ में एक बड़ी जनसभा की, जिसमें कर्णी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी ने दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को कहा था कि जो पार्टी हमारे समाज की बात सुनेगी हमारा समर्थन इस उपचुनाव में मिलेगा, जिसके लिए 2 दिन का समय भी दिया गया था। 4 दिन बीत जाने के बाद से दोनों पार्टियों में कोई जवाब नहीं आया, तो 13 अप्रैल से खुद चूरू जिला अध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा ने कमान संभालते हुए सुजानगढ़ व बिदासर के दर्जन भर गांवों का दौरा किया। अपार जन समर्थन को देखते हुए सरकार के मौजूदा मंत्री ने निमंत्रण दिया। उसके बाद सभी पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में भंवर सिंह भाटी व प्रताप सिंह खजरियावास से मिले। दोनों ही सरकार के मंत्रियों में पूर्ण रूप से संगठन के पदाधिकारियों व समाज के लोगों को आश्वस्त किया। उसके बाद संगठन व समाज के लोगों ने गांव-गांव में कांग्रेस को वोट डालने की अपील की, जिसके परिणाम स्वरूप मनोज मेघवाल 35,000 से अधिक वोटों से जीते। राजपूत समाज ने पूरे वोट मनोज मेघवाल को दिए और कांग्रेस पार्टी को सुजानगढ़ से जिताया। लेकिन क्या अब राजपूत समाज छात्रावास की भूमि आवंटित की जो मांग है उसे पूरा करेंगे मनोज मेघवाल और मंत्री भंवर सिंह भाटी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी राजपूत समाज ने अपना काम कर दिया।